सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा संजय कदम को, जिन्होंने सेने का युवराज किंवा शिवसेनेचा युवराज हे गाणं चित्रित केलेलं आहे. आज जे एकंदर संपूर्ण महाराष्ट्रामधलं राजकारण आहे आणि ज्या तऱ्हेनं शिवसेनेमध्ये गद्दारी झाली, बंडखोरी झाली आणि या बंडखोरीच्या गद्दारीच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये ज्या वेळेला सर्वसामान्य जनतेच्या मनामध्ये एक प्रश्न उभा राहिला की आता शिवसेनेचं काय, तर आता शिवसेनेचं काय ह्याला चोख उत्तर या 40 विधानसभा मतदारसंघाचे दौरे करून युवासेना प्रमुख शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी त्याला चोख उत्तर दिलं आणि सांगितलं की शिवसेना ही शिवसेना आहे, ही सगळ्यांना पुरून उरणारी आहे आणि पुन्हा ज्या जोमानं शिवसेना सत्तेमध्ये होती त्याच जोमानं पुन्हा शिवसेना सत्तेमध्ये येईल, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना. हे ज्या आदित्य ठाकरेने ठासून सांगितलं महाराष्ट्राला, त्या आदित्य ठाकरेच्या संपूर्ण त्या दौऱ्याच्या अनुषंगानं महाराष्ट्राची गरज लक्षात घेता ह्या गाण्याची निर्मिती झालेली आहे आणि मला पूर्ण खात्री आहे की या गाण्यामुळे निश्चितच शिवसैनिकांना सुद्धा प्रेरणा मिळेल. निश्चित करेल, एकत्र आणणार तर आणेलच पण शिवसैनिकांमध्ये जोश निर्माण करेल. हे गाणं जोश निर्माण करण्याचं काम करणार आहे. जसं शिवसेना शिवसेना हे जे गाणं आहे, जे अजरामर गाणं आहे, ते गाणं लागलं की अख्खं मैदान नाचतं, तसं जोश निर्माण करील शिवसैनिकांमध्ये हे गाणं. ये जो महाराष्ट्र में शिवसेना ने, शिवसेना के कई विधायकों ने जो गद्दारी की, उसके बाद आदित्य साहब ने जो पूरे महाराष्ट्र में हर जिला में हर विधानसभा में जाके वहाँ पे निष्ठा यात्रा जो उन्होंने किया और वो सब युवकों में एक जोश निर्माण किया उन्होंने, वो पूरा जो चित्रीकरण में उसमें लिया है. और ये गाना चित्रित प्रदर्शित होने के बाद जरूर ये पूरे महाराष्ट्र में युवकों तक पहुँचेगा और एक आदित्य साहब का जो कार्य है, जो उन्होंने लास्ट 4 महीने में जो संघर्ष किया है, वो सब युवकों के पास ये गाने के इसके माध्यम से वहाँ तक जाएगा और एक पूरे महाराष्ट्र में ये गाना बहुत अच्छी तरह से ये हो जाएगा. क्या मैसेज देना चाहेंगे जो महाराष्ट्र के लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं, आपको क्या मैसेज होगा उनके लिए आपकी तरफ से? हमारी तरफ से यही मैसेज है कि जो आज 34 साल का युवक, आज उन्होंने अच्छा प्रशासन में जो काम किया है, उसके बाद उनके साथ जो गद्दारी हुआ, फिर भी एक दिन भी कहाँ पे रुके नहीं है, दिन रात मेहनत करके संघर्ष करके सब शिवसैनिकों को साथ में लेके फिर से लड़के जीतने का उम्मीद रख के आगे चल रहे हैं, ये हमारे लिए स्फूर्ति रहेगा और हम लोग फिर से शिवसेना का मुख्यमंत्री जो है ये महाराष्ट्र सरकार में लेके आएंगे. सर आप क्या कहना चाहेंगे जाने के लिए, और जो शिवसैनिक साथ में आना चाहते हैं और साथ में है अभी भी, क्या क्या कहना चाहेंगे? सर जितने साहब ने बोला वैसे ही हम लोग एक गाने का एक स्फूर्ति मिलेगा, एक स्पिरिट मिलेगा सब युवकों के लिए और पूरा महाराष्ट्र की जनता के लिए. ये गाने की वजह से वापिस हम लोग दुगुना उसके साथ संघर्ष के साथ लड़ेंगे और वापिस हमारे उद्धव साहब को मुख्यमंत्री पद के ऊपर बिठाएंगे. शिवसेना. शिवसेना की महिला तो बहुत सारी है, कोई भी पक्ष में इतनी महिला नहीं जितनी शिवसेना में, और वो चाहती है ये हमारे युवराज ही है, हम सब उनको युवराज ही मानते हैं और उनके ऊपर ये गाना जो लिखा है और जो अभी हम इधर प्रकाशित कर रहे हैं, तो इसके वजह से जो स्फूर्ति है वो युवकों के है, सबको है, सब शिवसेना को इसकी वजह से एक स्फूर्ति है. शिवसेना नाम में ही एक स्फूर्ति है. शिवसेना उद्धव साहेब बाळासाहेब ठाकरे जो अभी नाम हमें दिया है, तो ये स्फूर्ति देने वाला गाना है.
शिवसैनिक भक्त आणि जे गाणं ऐकणार आहे आज या गाण्याच्या माध्यमातून सर्व युवक शिवसैनिकांना तमाम महाराष्ट्राची जनतेला या गाण्याच्या माध्यमातून आमच्या आपल्या शिवसेना पक्षाचे युवक युवराज आदरणीय आदित्य साहेबांवर जो हा गाणा दिला आहे तयार केलं आहे त्या गाण्याच्या माध्यमातून अनेक शिवसैनिक च्या मनामध्ये रक्तामध्ये शिवसैनिक जागा होऊन जी गद्दारी झाले जे मिंदे गटाने जी गद्दारी केले त्यांना ह्या गाण्याच्या माध्यमातून अक्कल नक्की येईल आणि आमच्यासारख्या सर्व शिवसैनिकांना प्रेरणा येईल एवढंच या निमित्ताने आपल्याला सांगतो.